पूर्वोत्तर में एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलता हुआ तो कांग्रेस की सियासी जमीन सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स की हम बात करें तो बीजेपी का दबदबा कायम है। त्रिपुरा में बीजेपी के आगे कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और टीपरा माथों का दाव काम नहीं आया तो नागालैंड में बीजेपी एनपीपी गठबंधन के सामने सभी बेअसर रहे, जबकि मेघालय में पिछली बार की तरह किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी अपने दम पर या फिर गठबंधन के साथ 2018 से सरकार चला रही है। त्रिपुरा में बीजेपी अपने दम पर सत्ता में है और अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी। मेघालय में बीजेपी ने नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, पर इस बार अलग अलग चुनाव लड़े थे। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में थी और उसी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी थी। एग्जिट पोल्स के सर्वे अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर पूर्वोत्तर बीजेपी का मजबूत गढ़ बनता दिख रहा है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री माणिक साहा की अगुवाई और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का दाव बीजेपी का सफल रहा, जबकि लेफ्ट का कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की रणनीति काम नहीं आ सकी। कुछ खबरों की माने और कुछ सर्वों की माने तो त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों में से बीजेपी 36 से 45 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि लेफ्ट कांग्रेस के खाते में 9 से 11 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। त्रिपुरा के राज परिवार के प्रघोत बर्मन की टीपरा माथों 9 से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो त्रिपुरा में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। त्रिपुरा की सियासत में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस ने 25 साल पुरानी सियासी दुश्मनी भूल कर साथ आए थे, लेकिन बीजेपी के सामने टिक नहीं सके। 2018 से भी कम सीटें उन्हें मिलती नजर आ रही हैं। गठबंधन से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन टीपरा माथों करती हुई नजर आ रही है। 2018 में बीजेपी को 36 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो लेफ्ट को अकेले दम पर 16 सीटें मिली थी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी इस आंकड़े के करीब नहीं पहुंच पा रही है। वहीं बीजेपी को त्रिपुरा में इस बार 45% वोट मिलता दिख रहा है, तो कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 32% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि 2018 में कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर 50% वोट मिले थे। इस बार 18% के करीब वोट शेयर घट सकते हैं। टीपरा माथों को 20% वोट मिल सकता है। इससे एक बात साफ है कि आदिवासी बेल्ट पर टीपरा माथों ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी की है। पश्चिम बंगाल के कई मंत्रियों ने त्रिपुरा का खूब दौरा किया, लेकिन टीएमसी ऐसा नहीं दिखा सकी। टीएमसी महज वोट कटवा पार्टी साबित होती दिख रही है। वहीं मेघालय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां भले ही अपने दम पर सत्ता में वापसी करती नहीं दिख रही हो, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में जरूर दिख रही है। नागालैंड में बीजेपी का एनडीपीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दाव सफल रहा। कुछ खबरों की माने तो बीजेपी एनपीपी के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। गठबंधन को 38 से 48 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 1 से 2, एनपीएफ को 3 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें कि नागालैंड 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एनडीए से गठजोड़ कर चुनाव जीता था। एनडीए को 2018 के चुनाव में 32 सीटें मिली थी।